हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। में मैं हूं आपका अपना राज भाई राज, आपके सामने है TVS Ronin 225 और इसके अंदर मॉडिफिकेशन है वो की गई टॉप नॉच मॉडिफिकेशन। जैसे कि सबसे पहले दिखाऊंगा आपको हेडलाइट ग्रिल, लुक चेकआउट कर लो हेडलाइट ग्रिल की किस तरीके से आती है इसके लगने के बाद, जो होती है आपके प्रॉपर फिटमेंट को जुगाड़ नहीं होता इसके अंदर, सिंपली इजी टू फिटेड है। और जो आपका टी का जो डिज़ाइन है, देखिए इस टी का डिज़ाइन का पूरा इसके अंदर ख्याल रखा गया है जो कि इसके अंदर लाइट इसकी निकल सके। और ये होती है आपकी एल्यूमिनियम की, इससे आपका हेडलाइट भी सेफ रहता है, साथ में लुक भी काफ़ी नाइस हो जाती है लगने के बाद। और इसके बाद बात करें नीचे तो आपका दिखेगा इधर शॉक प्रोटेक्शन, इधर फॉक्स लाइडर, शॉक प्रोटेक्शन फॉक्स लाइडर। इसे लगाने से क्या होता है, आपका जो शॉकर होता है USG शॉकर एंड आपका मड़गाड़ी होता है पूरी तरह सेफ। और इससे आपकी डिस्प्ले और नीचे का शॉकर ABS प्लेट ये होता है सेफ। और गोल्डन कलर इसलिए लगाया क्योंकि ना कुछ थोड़ा सा अलग लुक करनी थी इस चक्कर में, इसके अंदर गोल्डन लगा था। अदरवाइज कलर इसमें और बहुत सारे मिल जाते हैं, मगर कोई भी कलर चाहो तो वो मिल जाएगा इजीली। तो इधर इसमें लगा देगा 3.0 फास्ट चार्जिंग वाला मोटर जीनियस का ओरिजिनल मोबाइल होल्डर, जिसे लगाने के बाद ना आपका मोबाइल लगाने के बाद मोबाइल नहीं निकलेगा कहीं पर भी, आप चाहोगे तो ही निकलेगा, ना ही इसके अंदर मोबाइल होल्डर साउंड करता है किसी भी तरीके की। तो ये इसमें लगा दिया गया मोटो जीन्स का ओरिजिनल मोबाइल होल्डर। और नीचे इसके बाद देखने मिलेगा क्रैश गार्ड, जो कि आप देख सकते हो ये आपका प्रॉपर फिटिंग वाला क्रैश गार्ड। लुक चेकआउट कर लो किस तरीके से इसकी आती है लगने के बाद। और ना सबसे बढ़िया बात इसकी ये है कि लगने के बाद ना आपका टैंक और आपके लैग्स पूरे होते हैं प्रोटेक्ट, और उसमें मिलता है आपको ड्यूल सेटर, एक इधर उसी तरीके से मिलेगा, एक इधर। जब भी आपकी गाड़ी गिरती है स्क्रैच वगैरह ना, तो आपके लगेगा ना ही आपकी बॉडी में कहीं पर भी लगेगा इसे लगाने के बाद। तो ये टॉप क्वालिटी वाला जो इसके अंदर लगा दिया गया है आपका, और इसकी वेल्डिंग पॉइंट की मिलती है आपको गारंटी। अगर वेल्डिंग पॉइंट अपने आप इसके निकल जाते हैं गिरने के बाद किसी भी तरीके से होता है तो वो चेंज हो जाता है। और साथ में इसमें देखने मिलेगा इसके अंदर देख सकते हैं लैमिनेशन, ये भी इसके अंदर कर दी गई। लुक चेक कर लो लगने के बाद किस तरीके से आती है, जैसे शोरूम से आती है उसी तरीके से लुक आएगी। ये देखिए ये होती है लैमिनेशन, देखा आपने, बिल्कुल न्यू ब्रांड, समझिए ना आप। तो ये काम होता है हमारे यहाँ। और साथ में इसमें देखने मिलेगा बैक साइड के अंदर, चाबी ऑन करता हूँ लगाते हैं ब्रेक, ये देखिए इसमें मिलेंगे ब्लिंकर्स आपको जो कि इस तरीके से है कुछ। और साथ में इसमें लगा देंगे इसमें रियर फुटरेस्ट, इधर मिलेगा आपको लेडीज़ फुटरेस्ट जो लगा रखा है पहले से हमने, और इधर मिलेगा आपको रियर फुटरेस्ट जो कि आपका एग्जॉस्ट सेफ्टी के लिए लगा दिया गया इसके अंदर। और उसके बाद एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको इसके अंदर, इसमें लगा दिया गया साइड स्टैंड एक्सटेंडर, ये भी इसके अंदर लगा दिया गया। इसे लगाने के बाद क्या होता है, जब भी आप गाड़ी को खड़ी करते हैं, खड़ी करने के बाद आपकी बाइक स्टेबल खड़ी रहेगी, कोई प्रॉब्लम वगैरह आपकी स्टैंड में नहीं आने वाली और ना ही गाड़ी गिरने वाली है। और साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर पीछे टायर, अगर इम्पोर्टेड वाला टायर अगर एक पहले लगाया था, लुक चेक कर लो किस तरीके से इसकी आ रही है लगने के बाद। और इसे डस्ट वगैरह भी बिल्कुल भी नहीं आएगी, इससे आगे उसको पूरी तरह करता कंट्रोल। और लैमिनेशन जैसे आगे वैसे पीछे देख लो, हर जगह यही सेम लैमिनेशन होती है इसके अंदर, चाहे वो कोई सा भी पार्ट हो कोई सी भी जगह हो। और यहाँ पर आकर इसकी मॉडिफिकेशन हो कंप्लीट। अब बुलाना चाहूँगा भैया को, जिन भैया की बाइक है उनको कैसा लगा। हेलो सर, कैसा लगा आपको? अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, जैसा पहली बार कर रहा वैसा, उससे भी अच्छा है या कैसा? उससे और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पहली बार से, पिछली बार से भी बहुत अच्छा है। क्या अच्छा लगा पिछली बार से? पिछली बार से सारा कुछ मॉडिफाई, जैसे कि लेग गार्ड, फॉग लाइट, इसको क्या कहते हैं, फॉग स्लाइडर, फिनिशिंग वगैरह अच्छी है, फिनिशिंग वगैरह अच्छी हुई है, काम भी अच्छा है, काम अच्छा है। रेट वगैरह को ज़्यादा तो नहीं लगा? नहीं सर, रेट ज़्यादा नहीं है। और एटमॉस्फेयर कैसा लगा सेकंड टाइम भी? पहले तो आपको जो लगा आपकी, मैं स्पेशल उससे कई गुना ज़्यादा, पहले कितने दिन पहले आया था? मैं आया था सर उसी समय जब ये मतलब रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो साल डेढ़ साल पहले, हाँ एक डेढ़ साल पहले आया हुआ था। तो भैया आए थे पहले साल डेढ़ साल पहले, हाँ उस समय छोटा मोटा काम कराया था। चलो जी, तो आपको मतलब संतुष्ट है? हाँ संतुष्ट हैं, तभी मैं हमेशा आता रहता हूँ यहाँ, मैं तो यहाँ कई बार आ चुका हूँ, मेरा ये पाँचवा बार आना हुआ। थैंक यू सो मच सर। ठीक है सर, आने के लिए और कोई भाई बंधु आना तो क्या रिकमेंड करेंगे? नहीं सर, बोलता रहता हूँ मैं, और भी लोगों को फॉलो भी करता हूँ, वीडियो भी देखता हूँ, लोगों को भेजता हूँ, तो यहाँ पे भी भेजता हूँ, कई लोग मेरे बंदे भी आए हैं पहचान के, तो सर मुझे अच्छा लगा बहुत। चलो जी, थैंक यू वंस अगेन। तो ये थे भैया जिन भैया की ये बाइक थी, आपको भी कराना अपनी किसी बाइक की मॉडिफिकेशन तो आप आ सकते हो आपकी अपनी शॉप राजू भाई की शॉप पर, जो कि मिलता है दिल्ली के करोल में नावेलन के अंदर। जब भी आप आते हो बोर्ड पर ध्यान दें, राजू भाई जरूर लिखा होगा, राजू भाई SKD मेरी शॉप का पूरा नेम वैसे ही है, बाकी राजू भाई के नाम से आपको दिख जाएगा बोर्ड। और आने से पहले कॉल कर लेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, नहीं भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो मिलूँगा ही आपको हमेशा वहाँ पर। और डिस्क्रिप्शन के अंदर एड्रेस लोकेशन सब कुछ डाला हुआ है, आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो और आ सकते हो इजीली। तो इसी का वीडियो चले, जिनको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना,
आपके अपने राजू भाई एसकेडी का जो कि मिलेगा आपको यूट्यूब पर भी सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय मतदान, जय भाई।